हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे। आज की इस न्यू वीडियो में हम करेंगे स्नैपचैट फोटो एडिट का। जैसे आपको अभी स्क्रीन में दिख रही है तो इस तरह की फोटो एडिट करेंगे। गाइस आपको भी कुछ इस तरह की फोटो एडिट करना तो वीडियो को स्किप ना करना, एंड तक देखना। और गाइस वीडियो में जो PNG और जो आपको पीछे का बैकग्राउंड और प्रीसेट यूज़ करूँगा उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा, जाके डाउनलोड कर लेना। उसके पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे कर दीजिए। गाइस आप 89% लोग नहीं के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख ले मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो गाइस इंस्टा पे भी जाके फॉलो कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को करते स्टार्ट। तो गाइस पहले स्नैपचैट एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। गाइस आपका ये ऐप डाउनलोड नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके डाउनलोड कर लेंगे। तो सब में पहले चले जाएंगे हम पेंसिल वाले आइकन पे। पेंसिल वाले आइकन पे जाने के बाद नीचे एक मिलेगा डबल एक्सपोजर का ऑप्शन टूल, मिलेगा डबल एक्सपोजर, वहाँ पर चले जाएंगे। यहाँ पर जाके वो बैकग्राउंड ऐड कर लेंगे। गाइस उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, एकदम कलरफुल बैकग्राउंड है गाइस। तो गाइस उसको फिर हम मिल जाएगा ये, हम उसको कर लेंगे ऐड। उसको कुछ इस तरह से लगा देंगे, उसकी ओपेसिटी को डाउन कर लेंगे, फिर ये देखेंगे कि कैसा लगेगा ये बैकग्राउंड में। तो फिर गाइस फिर कर देंगे ओपेसिटी को एकदम बढ़ा देंगे, फिर कर देंगे इस पर बैक आ जाएंगे राइट करके, फिर चलेंगे व्यूस्ट एडिट पे, फिर यहाँ पे जाके डबल एक्सपोजर पे जाके ड्रॉ टूल ले लेंगे। फिर यहाँ पे जो पीछे का जितना भी बैकग्राउंड है उसको ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, और इसको डाउन कर लेंगे, फिर इस तरह से मारेंगे ठीक है। तो इसमें थोड़ा टाइम जाएगा, तो गाइस आप भी एकदम ध्यान से मारेंगे। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में बता रहा हूँ गाइस आपको, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। जितना करने के बाद फिर कर देंगे राइट। उसके बाद देख सकते कि तो दिख रहा है बिफोर एंड आफ्टर कि तो ऑसम लग रहा है। तो इतना करने के बाद फिर चले जाएंगे वापस पेंसिल वाले आइकन पे, फिर चले जाएंगे डबल एक्सपोजर पे वापस। तो यहाँ पे जाके हम PNG ऐड करेंगे। तो गाइस आपको थोड़ी आवाज़ नहीं क्या, थोड़ा स्पीकर थोड़ा ख़राब हो गया मेरे, तो थोड़ी आवाज़ कट कट के आ रही होंगी आपको। तो गाइस ये PNG की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जाके डाउनलोड कर लेना। तो इसको कुछ इस तरह से सामने लगा देंगे,
तो गाइस आपको भी ये सेम एडिटिंग आपको NSB पिक्चर्स में बताई थी और उसके भी उनके ही बैकग्राउंड है, बताना है कि उनने पिक्सट ऐप में बताई थी और मैं आपको स्नैपचैट पे बता रहा हूँ। तो गाइस इसको कर लेंगे हम ऐड, ठीक है, ऐड करके तो इसकी ऑपेसिटी को डाउन कर लेंगे। तो गाइस कुछ इस तरह करेंगे हम इसको, फिर लाइटरूम में करेंगे उसकी ऑपेसिटी को बढ़ा देंगे, ये ठीक लग रहा है, ठीक है, फिर कर देंगे हम राइट। तो गाइस देख सकते हैं कि तो ऑसम लग रहा है बिफोर एंड आफ्टर। फिर वापस चले जाएंगे पेंसिल वाले आइकन पे सिंपल तरीके से, फिर ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मिल जाएंगे कर्व का ऑप्शन, कर्व टूल पे चले जाएंगे तीसरे वाले टूल, यहाँ पे जो रेड कलर लेके उसको हल्का सा एकदम हल्का सा ऊपर कर देंगे और उसको हल्का सा इस साइड से ऊपर कर देंगे, लेफ्ट साइड से उसको हल्का सा इस साइड से नीचे कर देंगे, ठीक है। और इसको तीसरा पॉइंट बना के इसको भी इस तरह से नीचे कर देंगे, कुछ इस तरह से कर देंगे गाइस। फिर चले जाएंगे दूसरा कलर टूल पे, मतलब ये ब्लू ले लेंगे, फिर ब्लू कलर इसको हल्का सा इस तरह से डाउन कर देंगे, इसको भी हल्का सा इस साइड से बढ़ा देंगे, ठीक है, इतना करना ये ज़रूरी है गाइस करना। तो गाइस कितना ऑसम लगा है देख सकते गाइस, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर कितना ऑसम पिक लग रही है गाइस, पहले कैसी थी और अब कैसी लग रही। तो गाइस आपको मैं आपको बताऊंगा फेस पे जो देख सकते गाइस दाग धब्बे है, अब उसको क्लीन करके बताऊंगा मैं आपको। तो गाइस हम पहले चलेंगे पेंसिल वाले आइकन पे, भी चलेंगे लेंस ब्लर टूल पे, इसको हम कर देंगे एकदम छोटा करके इसको साइड में लगा देंगे, इसको कर देंगे 30, फिर कर देंगे डन। फिर देख सकते पूरा बैकग्राउंड पूरी फोटो ब्लर हो गई। फिर इस पे जाके लेंस ड्रॉ टूल पे जाके इसको कर देंगे हम 50 करेंगे, ये 100 कुछ ज़्यादा हो जाएगा, इसको 50 करके फेस पे मारेंगे इस तरह से। फिर देख सकते कितना ब्लर आ रहा है फेस पे। फिर इस तरह से आप दग दग पे क्लीन कर सकते हैं, जिससे फोटो की डिटेल भी कम नहीं होंगी, फोटो की डिटेल भी कम नहीं होंगी, फोटो को लॉस भी नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से हम हर जगह मार देंगे गर्दन के पार्ट पे। और गाइस एक वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वो भी उसमें भी आप डिटेल में देख सकते हो, वो भी स्नैपचैट पे आपको मैं बता रहा हूँ। और आपको हेयर एडिट करना है तो उसमें भी उसकी वीडियो की लिंक आई बटन पे मिल जाएंगी। तो गाइस इतना करने के बाद भी कर देंगे राइट, ये देख सकते हैं आप बिफोर एंड आफ्टर कितनी कैसी लग रही है फोटो, बिफोर और ये आफ्टर कितनी ऑसम लग रही है देख सकते हैं गाइस। तो फिर अब हम चले जाएंगे वापस पेंसिल वाले आइकन पे, फिर चले जाएंगे डबल एक्सपोजर पे, यहाँ पे जाइए गाइस एक आखिरी PNG है उसको भी ऐड कर लेंगे, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जाके डाउनलोड कर लेना। तो ये कहा गया ये रहा PNG हो गाइस। तो इसके बिना फोटो में मज़ा नहीं आएगा। तो उसको लगाने के बाद गाइस इसको कर देंगे लाइट रूम और उसको हल्का सा कम कर देंगे, ये कर देंगे सिंपल तरीके से राइट, इसको हल्का सा एडजस्ट कर लेंगे, ये हेयर पे आ रहा है, बालों पे आ रहा है वो, तो गाइस इसको देख सकते हैं आला, ठीक है। इतना करने का भी कर देंगे इसको, बढ़ा देंगे इसकी ऑपेसिटी को, इसको लाइट रूम रखेंगे नहीं तो ऐड रखेंगे, जिससे फोटो डार्क दिखेगा PNG, ठीक है। इतना करने का भी कर देंगे राइट। इतना हो गया एडजस्ट, फिर कर देंगे राइट, वो देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर कितना ऑसम लग रहा है। तो अब करेंगे हम गाइस लाइट रूम ऐप में इफेक्ट मारेंगे फोटो का, तो उसके भी एक प्रीसेट है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो आते फिर लाइट रूम ऐप में, तो गाइस आप देख सकते हैं लाइट रूम ऐप ओपन का हो गया है। तो गाइस आपका लाइट रूम ऐप डाउनलोड नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके डाउनलोड कर लेना। तो गाइस आपको जो ऊपर में प्रीसेट दिख रहा है उस पर क्लिक कर लेंगे और प्रीसेट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जाके ये भी डाउनलोड कर लेना। तो गाइस इसकी कर लेंगे हम सबसे पहले कॉपी सेटिंग, फिर चले जाएंगे ट्विन डॉट पे, फिर चले जाएंगे कॉपी सेटिंग पे, फिर कर देंगे राइट। तो गाइस कॉपी सेटिंग करने के बाद ये फोटो पे पेस्ट कर देंगे, फिर चले जाएंगे ट्विन डॉट पे जो हमने स्नैपचैट पे एडिट करे थे उस पर पेस्ट कर लेंगे। तो गाइस देख सकते हैं कि तो ऑसम तरीके से हो गया एडिट। तो गाइस देख सकते हो गाइस आपको जो नीचे का पार्ट दिख रहा है इसको क्रॉप करना पड़ेगा, वो ठीक नहीं लग रहा है बिफोर एंड आफ्टर, तो गाइस इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। तो हम नीचे में आपको जो ऊपर में जो दो ऑप्शन मिल रहे हैं उसके नीचे में क्रॉप मतलब उसका ऑप्शन है, तो गाइस इस पर चले जाएंगे, यहाँ पे जाके इसको हल्का सा पहले चले जाएंगे कस्टम टूल पे चले जाएंगे, इसको हल्का सा फिर कम कर देंगे नीचे से इस तरह से, ठीक है। इस तरह से कम करने के बाद फिर कर देंगे राइट, फिर बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं गाइस कितनी ऑसम लग रही है। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए, और आपको कौन से टॉपिक पर और वीडियो चाहिए ये भी कमेंट करके बताइए। और गाइस आप कमेंट करके प्लीज़ जब भी मैं लाइट टू प्रीसेट की वीडियो बनाता हूँ तो गाइस आप कमेंट करके पासवर्ड मत बताइए,
मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था, तो गाइस फिर भी आप लोग पासवर्ड करके बता दिए, प्लीज़ आप पासवर्ड करके मत बताइए। तो इतना करने के बाद फिर चलेंगे शार्पिंग वाली टूल पे। यहाँ से गाइस देख सकते हैं शार्पिंग बढ़ी है 45%। और गाइस मार्कशीट को हम कर देंगे फिर 100। और गाइस मार्कशीट के बारे में डिटेल में सीखना है तो उसकी वीडियो की लिंक आई बटन पर मिल जाएंगी, जाके देख लेना। और गाइस कौन से टूल पर मार्कशीट यूज़ करती जाती है वो भी आपको डिटेल में बता दूंगा। जैसे कि शेडोज़ में मार्कशीट यूज़ कर सकते हैं और हाईलाइट में मार्कशीट यूज़ कर सकते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि हाईलाइट कहाँ आ रही और शेडोज़ भी मालूम पड़ती है किधर किधर आ रही है, किस तरह की शेडो हमको चाहिए, कितनी चाहिए। और कॉन्टेक्स्ट में भी मार्कशीट यूज़ कर सकते हैं गाइस, और वाइट पे मार्कशीट यूज़ कर सकते हो। गाइस आपको पूरी डिटेल में सीखना है तो उसकी वीडियो की लिंक आई बटन पे मिल जाएंगी, वो भी जाके देख लेना। और गाइस हम फोटो को आप HD में सेव करना है तो गाइस मैं आपको HD में सेव करके बताऊंगा गाइस। तो गाइस HD में सेव कर सकते हैं गाइस। तो फिर चले जाएंगे हम पहले शेयर वाले ऑप्शन पे। जैसे शेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे हम सिंपल तरीके से, फिर नीचे चले जाएंगे, नीचे मिल जाएंगे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन। एक्सपोर्ट पे जाके हम इसको चूज़ कर लेंगे GPG पे जाके सेव कर लेंगे। तो वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे कर दीजिए, जिससे इस तरह की न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर गाइस अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।